सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं आप? वेलकम टू माई YouTube चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है विशाल मल्होत्रा और मैं YouTube के लिए वीडियोस बनाता हूं। गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। आज की जो हमारी ड्राइव है वो भी बहुत खास होने वाली है। अगर जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ देखी हैं तो उनको पता चल गया होगा कि मेरी क्या थीम है। बेसिकली ट्रैवल थीम रहती है हमारी, और आज हम लोग मोरनी एंड टिकरताल, जो चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे का रास्ता ड्राइव है, उसको कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही अमेजिंग ड्राइव है, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ हैं, बहुत शांत इलाका होता है, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत रश मिलेगा। रस्ते में आपको इतने लोग नज़र नहीं आएंगे वहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, फैंटास्टिक ड्राइव है। और मैं आपको बता दूं, मोरनी में इतना खास देखने वाला कुछ नहीं है। मोरनी में एक रिज़ॉर्ट है, तो हम लोग उसको बार बार से एक रोड से ही आपको थोड़ा सा कवर करेंगे। लेकिन टिकरताल में आपको पूरा प्रॉपर मैं घुमाऊंगा। टिकरताल की जो उनकी लेक है और जो भी पार्क व्यू है उनका, जो रिज़ॉर्ट का व्यू है, जो उनके रूम से व्यू आएगा, जो उनका टैरिफ होगा, फूड, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइज, एंड तक बने रहना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने अभी तक मेरी या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स मूव, कमेंट आपने करना है, लाइक भी जरूर ठोकना है, शेयर हो सके तो शेयर भी जरूर करना फ्रेंड्स। सो आपके ब्लेसिंग्स चाहिए हमें। लेट्स स्टार्ट, एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई जर्नी। तो चलते हैं, हाईवे सामने है, गाड़ी हाथ में है, लेट्स मूव गाइज। दोस्तों, इस टाइम हम लोग पुराना पंचकूला पहुंच चुके हैं। इस लाइट पॉइंट से हम लोग राइट लेंगे टुवर्ड्स मोरनी। सो गाइज, इस टाइम हम लोग घग्गर नदी के पुल के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर पंचकुला के सेक्टर्स भी पड़ते हैं। लाइक अगर आप ये आगे से लेफ्ट लेंगे तो 32 सेक्टर, राइट लेंगे तो 21 सेक्टर पंचकुला का पड़ेगा। एंड गाइज, आप लोग देख ही रहे हैं, व्यूज अल्टीमेट है यहाँ पर। गाइज, बहुत ही फैंटास्टिक हाईवे है ये भी। सो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक रास्ता नीचे को जा रहा है। यही रास्ता दोस्तों आगे जाकर इस पुल के नीचे से राइट को टर्न कर एक गुरुद्वारा की तरफ जा रहा है, और जिसका नाम है नाडा साहब। फ्रेंड्स, बिलीव मी, दूर दूर से श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में माथा टेकने आते हैं, इसकी बहुत महानता है। एंड गाइज, मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ यहाँ पर माथा टेकना। एंड प्रॉमिस है, नेक्स्ट टाइम वीडियो मैं इस गुरुद्वारा साहब के ऊपर ज़रूर बनाऊँगा और आप सबको दर्शन करवाऊँगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये जो हाईवे है ये बिल्कुल डिफरेंट रूट है मोरनी को जो हम जा रहे हैं। जो लास्ट आपने मेरी वीडियोस देखी थी कसौली और शिमला की, वो बिल्कुल डिफरेंट रूट था। पीछे लाइट पॉइंट से जहाँ से हमने राइट लिया है, अगर वहाँ से हम स्ट्रेट चले जाते तो वो कसौली शिमला को रूट जा रहा था। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रूट है फ्रेंड्स। फैंटास्टिक हाईवे है, सब आपके सामने हैं, व्यूज़ आप देख रहे हैं, रोड्स आप देख रहे हैं, अल्टीमेट लोकेशन है गाइज, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक ज़रूर आप वीडियो में देखना। सो दोस्तों, ये आगे से हम लोग लेफ्ट लेंगे मोरनी के लिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो हरिद्वार, सहारनपुर और मसूरी, ये रोड आपको इन तीन स्टेशन पर पहुंचाएंगे और आगे भी लेके जाएगी। बहुत ही बढ़िया हाईवे है फ्रेंड्स, स्टिल मसूरी अल्टीमेट लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इस हाईवे को। सो दोस्तों, यहाँ से मोरनी की दूरी अप्रॉक्सीमेट 31 किलोमीटर्स है। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा शिमला का हाईवे डबल हाईवे था, तो ये रोड बिल्कुल आपको नॉर्मल सिंगल रोड मिलने वाली है थ्रू आउट मोरनी एंड टिकरताल। और अमेजिंग व्यूज़ आएंगे दोस्तों इस रोड के ऊपर। वेल मेंटेन रोड है, पूरी रोड बहुत ही साफ़ सुथरी और प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पर जो टर्न्स हैं बहुत ही नैरो टर्न्स हैं, बहुत ही स्टीप टर्न्स हैं यहाँ पर। गाइस,
ये गोल्डन ट्यूलिप के नाम पे रिजॉर्ट है, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेस है रहने के लिए। यहाँ पर अगर आप एक नाइट के लिए आप आते हैं, स्विमिंग पूल, डाइनिंग, फूड अमेजिंग है गाइस यहाँ पर। सो गाइस, कैसा लग रहा है व्यू, आपको कैसी लग रही है रोड? दिस इज लाइफ फ्रेंड्स, बहुत ही फैंटास्टिक व्यू है, मजा आ गया। सो दोस्तों, दूर दूर तक जहां भी आप देखेंगे आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा यहां पर। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया इलाका है, बहुत ही शानदार इलाका है। एंड गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी सिक्योरिटी है, आपको किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि रास्ते पे बोर्ड लगे हुए हैं कि बी वेयर ऑफ पैंथर, बी वेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पर ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप खाने का सामान साथ लेके आए तो रास्ते पर रुक कर साइड पर कुछ मत खाइए, अपनी सिर्फ ड्राइव इंजॉय कीजिए, दैट्स इट। सो एंजॉय। गाइज, ये एक छोटा सा स्पॉट बना हुआ है रास्ते के ऊपर जहाँ पर लोग रुकते हैं थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, प्लस फोटोग्राफ्स वगैरह अगर किसी ने खिंचवानी हो तो यहाँ पर खिंचवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो सामने जो स्पॉट आप देख रहे हैं, वहाँ पर वहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, आगे पूरी स्ट्रेट वे पूरी वैली है। तो आइए मैं आपको उस पॉइंट पर लेके जाकर आपको थोड़ी सी वैली के दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको व्यू? सुपर फैंटास्टिक व्यू है गाइस यहाँ से, और ड्यू टू सनी डे आपको इतना क्लियर कैमरे में नहीं नजर आ रहा होगा जो हम लोग असल में यहाँ पे देख रहे हैं। वाकई में ही फ्रेंड्स जन्नत है यहाँ से, बहुत ही प्यारा नजारा है, बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस। तो दोस्तों, मोरनी और टिकरताल जब भी आप आओ, टाइम निकाल कर ज़रूर आओ, क्योंकि आपको रास्ते में जगह जगह पर ब्रेक मार कर ये व्यू देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों, अमेजिंग व्यू आपके सामने है, फैंटास्टिक ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस। तो अगर मौका मिले ज़रूर आओ आप इस रूट के ऊपर और इन्जॉय करो भाई, फैंटास्टिक। तो दोस्तों, हिमाचल की यही है ब्यूटी। मैं आपको थोड़ा सा सराउंडिंग पूरा घुमाकर दिखाता हूं। इफ यू सी द रोड, वेल मेंटेन्ड रोड, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वैली, सुपर्ब मैन, सुपर्ब। शायद आप देख पा रहे हो। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ
वो सामने मेरे एक पहाड़ी है, मे भी हो सकता है आपको अभी इस टाइम ना विजिबल हो, और वो उस पहाड़ी के टॉप पर कसौली है, और आप ये लगा लो कि हम कसौली की ऑलमोस्ट हाइट पर हैं इस टाइम, लेकिन मोरनी अभी आगे है। तो आप व्यू चेकआउट कर सकते हैं मेरे पूरे सराउंडिंग्स में, रोड्स अगेन। सो गाइज, आप लोग गाड़ी चला रहे हैं और साइड में थ्रू आउट मोरनी आपके व्यूज चल रहे हैं, वैली चल रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो वैली की तरफ देखें या रोड की तरफ देखें। सो गाइज, इस जगह को अपनी एक्सप्लोर लिस्ट में ज़रूर डालें, ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेस है गाइज। सो गाइज, अब हम लोग मोरनी पास आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो रास्ता ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर है मोरनी रिजॉर्ट, फैंटास्टिक होटल है गाइज। आप लोग यहाँ पर अगर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर नाइट स्टे ज़रूर करना, बहुत ही बढ़िया। इनका लॉन बना हुआ है, इनका फूड बहुत बढ़िया है, इवन लॉन के से आगे जो व्यू है, वैली है, बहुत ही शानदार लगती है फ्रेंड्स। वहाँ पर आउटिंग आउटर भी इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, खाने पीने का प्रोग्राम है पूरा। सो ट्राई इट वंस। तो गाइज, हम लोग आगे टिकरताल की तरफ जा रहे हैं, तो आओ आपको व्यू दिखाते हैं टिकरताल का, पहले यहाँ से कैसा नज़ारा आपको नज़र आता है। तो गाइज, अगर आप देख पा रहे हैं पहाड़ों के बीच में पानी, जी हाँ दोस्तों, यही है टिकरताल, यही है हमारी डेस्टिनेशन, सुपर प्लेस है गाइज, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पहुँचने में। तो गाइज, आओ ज़्यादा देर यहाँ ना लगाते हुए चलते हैं टिकरताल और इन्जॉय करते हैं वहाँ पर। सो गाइज, वेलकम यू ऑल टू द टिकरताल, यही है दोस्तों टिकरताल और टिकरताल का रिजॉर्ट। रूम्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और अगर आप देख पा रहे हैं जो आगे कारें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये बेसिकली टिकरताल का लॉन है गाइज, एंड पूरा ग्रीन एरिया है ड्यू टू आज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो जो टिकरताल की फ्रंट पार्किंग थी वो फुल थी, तो गाइज इन्होंने यहाँ पर पार्किंग का इंतजाम किया इन्होंने। लेकिन गाइज, अगर आप देख पा रहे हैं नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फैंटास्टिक एरिया है गाइज। सो दोस्तों, अगर आप नोटिस कर रहे हैं या देख पा रहे हैं, लोग कितना इंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घर से सामान या खाना खुना बना कर लेके आते हैं और यहाँ पर पिकनिक करते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खाने के बाद डांस भी करते हैं। तो इसका एक छोटा सा नज़ारा आपके सबके सामने है। सो गाइज, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में आपको बढ़िया से बढ़िया लोकेशन पर घुमाऊं, और मेरी एक्सप्लोर लिस्ट में टिकरताल भी सबसे ऊपर था। अमेजिंग प्लेस है गाइज। कई बारी आपके मन में बहुत कुछ होता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो टिकरताल उन सब में से एक है गाइज, फैंटास्टिक प्लेस। सो दोस्तों, हेवन ऑन अर्थ नियर चंडीगढ़, 1.5 घंटे की दूरी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि चंडीगढ़ में रहने वाले बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि ये इतनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशंस उनको गॉड गिफ्ट में मिली है, कसौली, टिकरताल, शिमला, मोरनी।
गाइस ये व्यू है रिजॉर्ट से, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। एंड गाइस ये सारे रूम्स की लोकेशन है, यहाँ पर ये रूम है प्रॉपर, इस तरह का कुछ रूम मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये गाइस रूम की बालकनी से जो व्यू है एग्जैक्ट वो आपके सामने है, अमेजिंग व्यू है फ्रेंड्स, अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स आपको जो रूम है यहाँ पर 2,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से रूम मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है रूम यहाँ पर गाइस, विदाउट ब्रेकफास्ट है, मील बहुत ही अच्छा है गाइस यहाँ का। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको टिक्कर ताल, बोटिंग के नज़ारे लेते हुए लोग, ये वादियां, ये पहाड़, पेड़ पौधे, ये पानी, सुपर। सो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा कुछ बेहतर चीज आपको दिखाई है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आपको किस तरह की वीडियो देखनी है, शेयर गाइज जरूर करना। तो गाइज 7 बज चुके हैं और हम लोग टिकट ताल पे ही हैं और अभी फिलहाल हमारी टी टाइम हुआ हुआ है, हम लोग चाय पी रहे हैं एंड विद दिस अमृतसरी मठी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ग्रेट टेस्ट मैन, अमेजिंग। ऐसा मौसम हो, ऐसी जगह हो और गरम गरम चाय मिल जाए, दी बेस्ट है भाई। सो राइट गाइज इजाजत दो, मैं हूँ आपका अपना विशाल और पूरी कोशिश की आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो दिखाने की, तो नेक्स्ट टाइम नए कॉन्सर्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, सी यू।